हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष, जिन्होंने आतंक का सबसे बड़ा दंश झेला है, मनिंदर सिंह बिट्टा। बिट्टा साहब, आपसे सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान को डर सता रहा है क्योंकि ट्रंप ने इमरान को साफ कह दिया है कि मैं आपको नहीं बचाने वाला। सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, नरेंद्र मोदी जी हो या ट्रंप जी हो, नरेंद्र मोदी जी की अगर सुरक्षा का खतरा उनकी सब कुछ है तो ट्रंप को उनसे ज्यादा है। अमेरिका है, आपको पता है 11 सितंबर को हमला हो चुका है और अमेरिका पूरी हिट लिस्ट में टेररिस्टों की रहता है। इतनी भीड़ के अंदर जी सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके जी नरेंद्र मोदी जी के भी प्रोटोकॉल टूट गए और ट्रंप जी के भी, ट्रंप नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के टूट गए। खुदा ना खास्ता को बात होती तो क्या होता। एक जोश के अंदर, एक नरेंद्र मोदी जी की जो, देखो मैं पहली बात बता दूं, मैं बीजेपी नहीं हूं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं प्रथम राष्ट्र का एक छोटा सा सिपाही हूं। एक नरेंद्र मोदी जी ने जो टेररिज्म के खिलाफ एक जंग शुरू की है ईमानदारी से, उस जंग के ऊपर जो पूरी दुनिया के अंदर सम्मान मिला है वो ट्रंप ने भी उसको माना है कि ये व्यक्ति आतंकवाद के आगे झुकने वाला नहीं है। और जो पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ क्लियर थी, एक होती डबल पॉलिसी, देखते हैं वोट बैंक की, नहीं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर पॉलिसी खींची, लकीर खींची और उस पाकिस्तान को नकेल डाली है। जो पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप चलते थे, जो ओसामा बिन जैसे लोग आतंकवादी जो वहां रुकते थे, जो अमेरिका पे हमले करते थे, पूरी दुनिया में हमले करते थे, अफगानिस्तान के ऊपर हमले करते थे, नरेंद्र मोदी जी ने उनके चने चबा दिए। सवाल कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई का नहीं है, सवाल प्रथम राष्ट्र का है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं तो उत्कर को देख करके ट्रंप जी ने उनको जो सहयोग दिया है हिंदुस्तान को, भारत माता को, हम उसके हसानमंद है। तो इमरान खान को तो मुकम्मल हार हो गई और ये क्लियर कर दिया अमेरिका ने कि 370 धारा जो हटाई गई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो बिल्कुल उसके ऊपर मोर लग चुकी है, ये दुनिया में बता दिया अमेरिका। जी जी बिट्टा साहब जी, आप बिट्टा साहब, क्या इमरान खान को अब पीओके में हाथ से निकलने का डर सता रहा है आपको लगता है? देखो बात तो स्पष्ट है, पहले हम पॉलिटिकल बातें करते थे इलेक्शन के वक्त 370 धारा हटाएंगे, 370 धारा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के ये सारे पॉलिटिकल एजेंडे थे। 370 धारा पॉलिटिकल एजेंडा सारी पार्टियों का रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे सीपीआई हो, हटना है या नहीं हटना है, जिस तरीके से वोट बैंक होता है। पर जिस तरीके से अमित शाह जी ने इलेक्शन से पहले वादा किया, देखो मैं, मुझे भी नहीं यकीन था कि 370 धारा हटेगी। जिस तरीके से 370 धारा हटी है और ईमानदारी के साथ हमने वहां पे हटा करके एक अच्छे तरीके से वहां का प्रशासन, वहां का जो नौजवानों को, बेरोजगारों को 50,000 नौकरी देना, ये जो वो कह रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़ा सरकार का जो मुख्य मकसद होगा कि कश्मीर हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है, कश्मीर इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की पगड़ी का सवाल है, कश्मीर हमारे जैसे लोगों के भी पगड़ी का सवाल है, क्योंकि बार बार हम उसके ऊपर बोलते रहे जी। तो जब 370 धारा हट गई और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ, एयर मार्शल धनोआ, जब सबने कह दिया कि ऑक्यूपाई कश्मीर लेना वो तो लेना ही है, तो अच्छा तो ये होगा लेना है तो इमरान खान ईमानदारी से हमें दे दे जी, और वो अपना देश चलाए, हम अपना देश चलाए, हम व्यापार शुरू करें, हम खेले शुरू करें, हम उसके, हमारा हिंदुस्तान उनको मदद करेगा, हिंदुस्तान वो कमजोर पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश करेगा, पर ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान। बिट्टा साहब, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप मोदी को भी दोस्त कहते हैं, इमरान को भी दोस्त कहते हैं, ये क्या मजबूरी आपको लगती है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि इमरान खान जो है उसको बिल्कुल इज्जत मान नहीं मिला, ये बिल्कुल अमेरिका ने बता दिया कि आप अपनी औकात में रहिए, आप अपने असूलों में रहिए, आप आतंकवाद को समाप्त कीजिए। और जिस तरीके से मैं उनकी वॉक टॉक जो देखी है, ट्रंप ने तो उनके साथ आंख से आंख भी नहीं मिलाई और पूरे पाकिस्तान को आईएसआई को बता दिया अपने रास्ते को बदल लो। अगर ओसामा बिन लदेन को वहीं घुस के मार सकते हैं और जितने भी आतंकवादी हैं इनको वहीं घुस के मारेंगे, आज जैसे आतंकवादियों को, जो उन्होंने क्लियर कर दिया, और आज अमेरिका हमारे साथ है, आज चाइना
क्लियर हमारे साथ ना हो, पर चाइना की कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने, हिंदुस्तान के व्यापार ने, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की पॉलिसी ने कहीं ना कहीं चाइना को नरम किया है। आज जो पिछले 5 साल के अंदर दौरे हुए हैं, हम भी विरोध करते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी रोज बाहर घूमते रहते, हिंदुस्तान को क्या देखेगा, बाढ़ है, फ्लड है, किसानों की समस्या है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रथम राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करना, कश्मीर की समस्या, आतंकवाद के ऊपर जोर देकर के उसको समाप्त किया।